गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं ज़फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं एपिसोड 12 का भाई पहला पार्ट, तो देखते हैं। लास्ट एपिसोड रह गया 13, तो पहले देख लिया है, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। स्टार्ट से मुझे पता था वो पूर्ण क्रॉसर भी मेरी तरफ स्वीकार नहीं कर पाएगा। जनावर तक वो समाचार पहुंच गया होगा महाराज। कैसा समाचार? कि एक नवजात शिशु ने पूतना का वध कर। वो नवजात शिशु मेरा काल है, समझे? पूतना जैसी राक्षसी से एक शिशु भी ना मारा गया, उसका मरना ठीक ही था। लो, मैं हूं तृणावर। तुमने कमल फूल का रूप धरकर मेरे काल का संहार करोगे? कैसे मूर्ख दानव हो तुम। ये भूल नहीं महाराज गंज, मैं वो पवन हूं जो इसे थामे हुए है। ये तो खतरनाक थी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मेरे नवजात काल को ढूंढ कर तुरंत उसका अंत करो। ये काल अवश्य ही कोई महाशक्ति है महाराज, जिसने आपको भी इतना चिंतित कर दिया। बहुत बड़ी महाशक्ति। मैं उस महाशक्तिशाली शिशु के दो टुकड़े कर दूंगा एक दिन के अंदर। मुझे आशा है तुम अपना वचन पूरा करोगे, मुझे निराश न करना। दो
वो तो तोड़ दिया वैसे। मैं आ गई बेटा। ओह कृष्णा भाग गए। मैं जानती हूँ तुम छिप रहे हो, परंतु तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है कन्हैया। मेरी हड्डियां फोड़ने के लिए मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। कृष्णा कृष्णा, क्या तुम लोगों ने कृष्णा को कहीं जाते हुए देखा है? नहीं यशोदा मैया। लो कृष्णा मेरे प्यारे बच्चे, मैंने ऐसा क्या कर दिया? यदि तुम मुझसे ही डरने लगोगे, उस मैया से जो तुम्हें सर्वाधिक प्रेम करती है, तो कैसे चलेगा? कम संकट नहीं खड़े करते हो, परंतु मैं जानती हूँ कि तुम्हें संकट से कैसे दूर रखना चाहिए। अब चुपचाप तो खड़े रहो, मैं तुम्हें बांध देती हूँ। मैंने तो ये रस्सी नाप कर काटी थी। अवश्य पूरी हो जाएगी। नहीं बांधो। मुझे नहीं पता ये कैसे संभव है मेरे नन्हे कृष्ण। कदाचित तुम्हें बंधन पसंद नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें बांध नहीं पा रही। कहो यही बात है ना? ये तुमने कैसे किया? अब अच्छे बच्चे की तरह रहना और रोना नहीं। मैं अपने कार्य पूरे करके अभी आई। देखो कृष्ण।
कृष्णा को फिर से भागने की कोशिश कर रहा है। देखो देखो फंस गया। जब पकड़े जाओगे ना मैया यशोदा बहुत पिटाई करेंगी। यशोदा ये तो ऐसे ही लग रहा है कि ये दरख्त अब नहीं बचेंगे, साथ ही चले जाएंगे। लेकिन देख लें स्टार्ट एक बहुत अच्छा हुआ है कि जैसे एक वही उन्होंने माखन स्टार से खाना शुरू कर दिया। इधर तो बहुत छोटे से हैं कृष्णा जी, लेकिन एक और मामा श्री कंस ने भेजा है अपना काल जो राक्षस, उसने के एक बार जाकर एक बार कृष्णा जी का वध करो। लेकिन वो इतना आसान नहीं है, हर चीज़ असंभव है, क्योंकि इतने सारे राक्षस कितने हर देख लो हर एपिसोड में एक हट के और इतना पावरफुल आया। लेकिन सब ने अपनी ट्राई की, कोई भी कामयाब नहीं हो सका। अब ये आए हैं तो इनको देखते हैं ऐसे हवा आंधी की तरह है कि वो बेचारा जो मामा श्री कंस के पास खड़ा था उसको भी उसने उठाकर इधर फेंका। तू मामा श्री कंस को फेंक, उसको पता चले तेरी पावर का यार। नहीं बाकी इसमें कोई डाउट नहीं भाई, ये क्योंकि मामा कंस के पास काफ़ी भाई एक एक जो राक्षस है ना वो एक एक्स्ट्रा भी पड़े हुए हैं और काफ़ी काम भी आ जाते हैं। जब एक पुकारता है ना किसी को तो कोई ना कोई एक नई सूरत एक मतलब के धारण कर कर आ जाता है। तो इसी वजह से भाई वो तो हमने काल के पीछे लगा हुआ है, लेकिन आगे से भाई उनको कोई मतलब की चीज़ सूझती नहीं है और एक एक मतलब के एक दो तीन मिनट निकालते हैं ऐसे ही है। लेकिन बाकियों का तो नहीं पता, इसके ऊपर उसको थोड़ा बिलीव है कि ये कुछ ना कुछ जो है ना वो एक्स्ट्रा करेगा। लेकिन ये कि देखो अब आया एक दफ़ा चक्कर चुक्कर लगा के चला गया, चीज़ें देख गया, अब देखो नेक्स्ट कब आता है और किस तरह उसको पता चलता है श्री कृष्ण जी का, और उसके बाद देखेंगे कि फाइट होती है कि नहीं। लेकिन ये कि आप जो है ना वो एंड के ऊपर जिस तरह देखो भाई उनको जो है ना उनकी माता ने बांध तो दिया है, बल्कि खुद ही कहा कि ये ले रस्सी, पहले सीधी नहीं हो रही थी अब जो है ना वो सीधी हुई है। उसके बाद अब वो यार इतनी बड़ी वो उन्होंने देख लो खींच ली है, खींच का लेकर जा रहे हैं दरमियान में दरख्तों में फंस गया और दरख्त भी एक दफा जो है ना वो हिल रहे हैं। लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अब देखते हैं कि वो दरख्त भी साथ जाते हैं यानी ये तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।